हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बिल्डिंग मटेरियल का IES का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल जो है फीमेल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नाम के साथ आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाइड इज। ऑप्शन है पैरेलल टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ग्रेन, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ग्रेन। तो स्ट्रेंथ जो है टिम्बर का मैक्सिमम होता है जब लोड जो है पैरेलल अप्लाइड होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल टू ग्रेन। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड इज अप्लाइड पैरेलल टू ग्रेन एंड इट इज मिनिमम व्हेन लोड अप्लाई इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन 10% 20%। गुड ब्रिक जो है वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है गुड ब्रिक का 10 N/mm² से ग्रेटर देन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विथ क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रिक लाइम, वाइट लाइम। तो लाइम मोर्टार हम जनरली मेड करते हैं विथ हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम से जो है बना हुआ मोर्टार जो है हम यूज कर सकते हैं डैम्प सिचुएशन में और वाटर लॉक्ड एरिया में भी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज। ऑप्शन ए है स्मॉलर देन डेट ऑफ माइल्ड स्टील, इक्वल टू डेट ऑफ माइल्ड स्टील। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दोनों का सेम होगा, हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील का सेम होता है और 2 × 10⁵ N/mm². तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू डेट ऑफ माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट सैंड मोर्टार आफ्टर 3 डे ऑफ क्योरिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो अगर ग्रेड 33 OPC की बात किया जाए तो 3 डे स्ट्रेंथ जो है 16 MPa होता है, जो इक्वल होता है N/mm² के। 7 डे स्ट्रेंथ जो है 22 MPa होता है और 28 डे स्ट्रेंथ जो है 33 MPa होता है। इसी तरह ग्रेड 43 OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है स्ट्रेंथ 3 डे का होता है 23 MPa और ग्रेड ग्रेड 53 जो है OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है 3 डे स्ट्रेंथ जो होता है 27 MPa होता है। तो 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 175 kg/cm² से लेस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैच List 1 to List 2। ऑप्शन यहाँ पे ए में है फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट हम टेस्ट करते हैं किससे करते हैं, एयर परमेबिलिटी अपरेटस से करते हैं। तो ए का थे हो जाएगा सेटिंग टाइम है बिकेट निडल से करते हैं, बिकेट अपरेटस से करते हैं। बी का 2 हो जाएगा, साउंडनेस टेस्ट हम जो है ली चैटलियर मेथड से करते हैं। तो सी का 1 हो जाएगा, वर्केबिलिटी जो है हम स्लम्प कौन से करते हैं, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का हो गया यहाँ पे फाइननेस ऑफ सीमेंट, ए का 3, बी का हो गया सेटिंग टाइम 2। तो ए का 3, बी का 2, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच List 1 to List 2, नेम ऑफ स्टोन दिया है और यूज क्या है स्टोन का, वो है। ऑप्शन ए है, ए में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम यूज करते हैं हैवी, ये ग्रेनाइट जो है हैवी होता है, रफ स्टोन वर्क के लिए यूज करते हैं। मार्बल जो है ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं। चाल्क जो है ब्लास्ट के लिए यूज करते हैं। लेटराइट जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ए का हो जाएगा ग्रेनाइट जो है, ए का 3, रफ स्टोन वर्क। बी का हो जाएगा मार्बल यूज करते हैं, बी का मार्बल का हो गया ऑर्नामेंटल वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन ए थ्री हो गया, बी का 1 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कॉन्क्रीट व्हेन एक्सप्रेस एज पर परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होता है जनरली। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 to 15%। जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 7 डे एंड 28 डे इज। तो 7 डे और 28 डे का रेशियो जो है 2/3 होता है, 0.67 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 10, इफ वी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम कंसिस्टेंसी रखते हैं 0.85, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम रखते हैं 0.78 पी, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए PY5 प्लस 2.5 का होल का परसेंट हम रखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए PY4 प्लस 3% रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोर्टार यूज फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इन IS 2250 एंड IS 9005 अकॉर्डिंग टू दियर डेजिग्नेशन L1, L2, H1, H1, H2, M1, M2, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्ट्रेंथ इज। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है ग्रेड H1 का होगा, H1 ग्रेड का जो है स्ट्रेंथ होता है 10 MPa, H2 का 7.5 MPa होता है, 26 MPa होता है, और सबसे कम जो है L2 का होता है 0.5। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो H1 का सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद H2, M1, M2 और सबसे लिस्ट जो है सबसे कम होगा L2 का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू डोर्स एंड विंडो, किंग पोस्टरस, क्वीन पोस्टरस, ब्रिक मेसनरी। किंग क्लोजर जो है रिलेटेड होता है बिग ब्रिक मशीनरी से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किंग क्लोजर इज द पोर्शन ऑफ ब्रिक विच इज कट अ सच वे डैट विड ऑफ वन ऑफ इट्स विड इज हाफ डैट ऑफ फुल ब्रिक एंड वाइल विड एट द अदर एंड इज इक्वल टू द फुल विड। इस तरह से जो है कट करने के बाद जो ब्रिक प्राप्त होता है उसे किंग क्लोजर कहते हैं, और ये जो है क्वीन क्लोजर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू, ऑप्शन ए है सॉफ्टन द टिम्बर, हार्डन द टिम्बर, स्ट्रेटन द टिम्बर, रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। तो ट्री जो है कंटेंस होता है वाटर एंड सैप बोथ अबाउट 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, और कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए हमें जो है रिक्वायर्ड होता है मॉइस्चर एंड सैप को रिमूव करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज द रेंज ऑफ डेट ऑफ, ऑप्शन है ग्लास, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, बैम्बू। तो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ग्रेनाइट का काफ़ी कम होता है, माइल्ड स्टील का काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट के कंपेरिजन में हाई कार्बन स्टील का भी ज़्यादा होता है। तो ये जो है रेंज जो है दोनों ग्लास और ग्रेनाइट का लगभग सेम होता है। ग्रेनाइट का जो है लीनियर एक्सपेंशन होता है 8 to 9 into 10^-6, और ग्लास का होता है 7.5 to 8.5 into 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेक्चर ऑफ सैंडस्टोन इज, टेक्चर जो है सैंडस्टोन का होता है रफ ग्रेनुलर टेक्चर होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनुलर।